Sharma of your own channel Physics at your Tech. So children, we are going to do a little portion of capacitor today, and I am going to start energy density of a capacitor. Energy density ka matlab ho gaya kisi bhi cheez ki mass density, mass per unit volume. Theek hai, usi tarah se energy density is going to be energy per unit volume, which you can see here. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर. उस कैपेसिटेंस इज सी. ऑफ कोर्स ए इज द एरिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर. डी इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. बेटा ये चीज ना याद रख लेना, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इनटू एप्सिलॉन. आई हैव जस्ट गिवन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स. सो इन दैट केस यहां पर आपके पास कैपेसिटर का चार्ज, आप बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया. सो इन दैट केस इट विल बी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. सिग्मा की वैल्यू हो गई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए. तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. तो हाफ ई, देखो यहां से क्यू की जगह ई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए. ई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए का होल स्क्वायर डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. यदि मैं काटूंगी तो यहां से एक ए कट जाएगा ना आपका. ठीक है, अच्छा यहां से फिर आपने सी की वैल्यू डाली. सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. जब आप काटोगे तो इस एक ए से ये एक ए कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कटेगा. तो आपके पास जो बचेगा दैट विल बी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी. इस ए इनटू डी को आप नीचे ले आए तो आपने इसे बना दिया एनर्जी की बजाय, आपने इसे बना दिया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, विच सेज इट इज एनर्जी डेंसिटी. दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट. यहां से ये हटा तो आपके पास क्या बच गया, half epsilon naught into E square. That is going to be the energy density of the capacitor. So you can say energy per unit volume or energy density of the capacitor. So now we are going to move on the next topic of capacitor. That is going to be redistribution of charges in the capacitor. The next topic will be redistribution of charges in the capacitor. तो देखते हैं हमारे पास दो capacitors हैं. एक की capacitance C1 है, एक की capacitance C2 है. एक का volume और voltage V, दूसरे का वोल्टेज V2. आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि चार्ज ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक चार्ज फ्लो होने लग जाएगा जब तक दोनों क्या नहीं हुआ कर लेते एक कॉमन पोटेंशियल, दैट इज V. सो इन दैट केस एनर्जी इनिशियल, इनिशियल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी विल बी हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, राइट. अच्छा यहां पर यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर. सो इन दैट केस मुझे कहना चाहिए इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज. तो यहां पर इनिशियल चार्ज हो गया आपका सी वन वी वन, फाइनल चार्ज हो गया सी टू, इनिशियल चार्ज हो गया सी टू वी टू, और फाइनल चार्ज हो गया सी वन बी प्लस सी टू. चिल्ड्रन कैन आई कैलक्यूलेट द कॉमन पोटेंशियल अक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर्स ओवर हियर. द कॉमन पोटेंशियल अक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर्स विल बी वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, राइट. तो व्हाट विल बी द फाइनल एनर्जी आपके कैपेसिटर्स की, फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वन बी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू बी स्क्वायर
क्योंकि दोनों के पास अब पोटेंशियल कैसा है, बिल्कुल सेम, राइट, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम. तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी निकालो, तो इट विल बी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, राइट. आई विल टेक यू ओवर हियर. देखिए, तो डिफरेंस इन एनर्जी विल बी हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर. इसमें से माइनस क्या करोगे बेटा, फाइनल एनर्जी. तो फाइनल एनर्जी विल बी हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी, सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, चलो नेक्स्ट आई गो. इसे यदि मैं सब्ट्रैक्ट करके देखूं तो व्हाट विल आई गेट चिल्ड्रन. यस, हाफ कॉमन सी वन वी स्क्वायर प्लस सी टू वी स्क्वायर प्लस माइनस हाफ सी वन प्लस सी टू और कॉमन पोटेंशियल का सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू. थोड़ा सा और सॉल्व कर देती हूं आपके लिए. हाफ यू विल हैव बेटा हाफ कॉमन सी वन प्लस सी टू को अपना एलसीएम ले लीजिए. ठीक, एक सी वन सी टू यहां से कट जाएगा तो एक ही बचेगा. सो यू विल हैव सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर यहां आ जाएगा प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी टू स्क्वायर. इज दैट क्लियर, राइट. अब इसे खोलिए, माइनस क्या आएगा, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर. अच्छा, क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है कि यहां पर माइनस ही आएगा, राइट, क्लियर. तो यहां पर आपने ये कट कर दिया ना, यू आर लेफ्ट विद हाफ. देखो सी वन सी टू कॉमन है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू. सो यू विल हैव हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर. क्या यहां पर देखने के बाद आप ये बात समझ पाए कि ये रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. नेगेटिव क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वी वन माइनस वी टू के फॉर्मेट में आपके पास स्क्वायर लग गया. स्क्वायर लगने से ये रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. और नेगेटिव ना आने का बेसिक रीजन की वजह से मुझे कहना चाहिए इनिशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी. इट मीन्स देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन यू कनेक्ट द कैपेसिटर्स लाइक दिस, राइट. तो यू कैन नेवर हैव अ गेन इन द एनर्जी, विल ऑलवेज हैव अ लॉस इन द एनर्जी. So children, if you are my new subscribers, please do subscribe my channel. Till the time we meet next, stay at your home and stay safe. Bye.